नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी हाल ही में शादी हुई है या फिर शादी करने की सोच रहे हैं तो आप अपनी होने वाली पत्नी या फिर होने वाले पति के लिए हीरे की अंगूठी बनवाइए, या फिर आप सिंपल अंगूठी बनवा सकते हैं लेकिन उसमें एक हीरा जरूर लगवा दीजिए, क्योंकि हीरा प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सारे सुख मिले, यानी कि संतान का भी सुख मिले, तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक ही मात्रा के हीरे को धारण करें, ताकि आपके दोनों के बीच में तालमेल अच्छा रहे और आपके बीच में हमेशा प्यार बना रहे। यदि परिवार वाले आपके लिए हमेशा कोई ना कोई गुणी लड़की या लड़का ढूंढते हैं, तो उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, उसे समझने के लिए ये जरूरी है कि आप उससे अपना रिश्ता अच्छे से जोड़े, उसे समझे, ताकि आपके संतान होने में देरी ना हो। यदि आप विवाह करने की सोच रहे हैं या फिर विवाह की बात चल रही है, तो उस समय से पहले ही अपने इस कार्य को पहले ही बना लें। देखा जाता है कि हिंदू धर्म में पूर्व, यानी कि हिंदू धर्म के पूर्व हिस्से में लोग अंगूठी पहनने का रिवाज ज्यादा मानते हैं, और अंगूठी की यानी कि रिंग फिंगर में आप अंगूठी की रस्म भी करते हैं, जिसे हम सगाई भी कहते हैं। जिस सगाई के दौरान पर लड़का और लड़की के हाथों में अंगूठी पहनाई जाती है, तो उस अंगूठी में एक ही समान ठोस मात्रा के आकार में एक हीरा भी जड़वा दीजिए, ताकि आपके संतान होने में देरी ना हो और आपके जीवन में कोई भी प्यार की कमी ना रहे, क्योंकि हीरा प्यार का प्रतीक के साथ साथ संतान की प्राप्ति का भी प्रतीक माना जाता है, जिससे कि लड़का और लड़की दोनों के साथ मिलने पर वह संतान की प्राप्ति करते हैं, अच्छे और गुणी संतान की प्राप्ति होती है। तो ये है कुछ आसान से तरीके जो कि आप जल्दी ही संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।